जी जी ठीक है, जरूर जी। अच्छा नमस्कार। उन्होंने अक्षरा के लिए हाँ कह दी है। मुबारक हो मां। चौरे की मां, आपको भी मुबारक हो। आपकी बेटी की शादी पक्की हो गई। बधाई हो मुन्ना राजा, बधाई हो। बधाई हो बेटा, खुश रहे। भाभी मां बधाई हो। छोटी दुल्हन बधाई हो। बेटा दादाजी और भाभी माँ से आशीर्वाद लो। जीता रहे, जीता सुखी रहे, खुश रहो मुन्ना। अब तो थारा लगन भी तय हो गया, अब तो धंधे पे लग जा। भाई मने तो छोरी वाई दिन बसन आ गई थी, ये तो थारो छोरे ही है जो इतना समय लगा दियो, वरना बात कभी की पक्की हो जाती। पना, अभी कल का हिसाब किताब देख ले। जी खुश रहो। मेरा मुन्ना बेटा दूल्हा राजा बनेगा। चलो छोटी दुल्हन, राधा रमन जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। जी तेरे बेटे का लगन पक्का हो गया। चल रश्मि चल। मुझे एक बात अब तक समझ में नहीं आ रही है, तूने हाँ क्यों कर दी? क्यों, तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? क्यों, मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा? लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था कि इसमें सोचने वाली क्या बात है। तूने ये तो कहा था ना कि वो मुझे बराबर की टक्कर दे सकती है। देले पे देला है, एक बार उसे बीवी बन के तो आने दे, फिर देखते हैं कौन नहला और कौन देला। व्हाट, तूने इसलिए हाँ की है? हाँ एक वजह और भी है। क्या? सब कुछ अभी पूछ लेगा, उससे सस्पेंस बचा के रख मेरे यार। सस्पेंस? अरे नैतिक सुन तो। हाँ की है ना तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना, लेकिन क्या क्या वजह हो सकती है? तुझे क्या लगता है वर्षा? मुझे लगता है तुझ पे फिदा हो गया है वो। नैतिक ये तो गलत बात है यार, मैं तेरा सबसे पुराना दोस्त हूँ, वे बडीज यार, और तू मुझे ही नहीं बताएगा? बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। तुझसे कोई जीत पाया भला आज तक? हा? उसी ने हराया तुझे, कहीं तू जान पूछ के तो नहीं हार गया? फिदा विदा तो नहीं हो गया तू उसपे? फिदा नहीं, फिदा कैसे हो सकता है? क्यों, सच पे तो कोई भी लड़का फिदा हो जाएगा। हो सकता है उसे ये बात अच्छी लगी हो कि उस दिन मैं अपनी बात पे अड़ी रही, उससे बहस कर गई, जो बात मुझे सही लगी उस बात को कहने से घबराई नहीं। बता ना वर्षा, माँ तो कहती है कि लड़कों को बहस करने वाली लड़कियां पसंद ही नहीं आती, लेकिन यहाँ तो बता ना वर्षा, क्या सच में लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद है जो अपनी बात खुलकर कह सकती हैं, बिना डरे अपनी बात पे टिकी रहे? बाकी लड़कों का तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि नैतिक को ये बात जरूर पसंद आई होगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, वो मुझसे नाराज होके गया था। मैंने तो सोचा था कि अब सोचना उछना छोड़, तेरी शादी तय हो गई है, गले नहीं लगेगी।
अच्छा यार छोड़, नहीं बताना है ना सही, लेकिन तेरी शादी तय हो गई है यार, गले नहीं लगेगा। चल देखते हैं। दादाजी के खिलाफ जाने को कौन कह रहा है माँ? आप इतना तो कर सकती है कि दो दिन के लिए बात टाल दे, कोई रस्म ना करे। जरा हमें भी तो बताओ कि दो दिन में ऐसे कौन से तीर चलाने वाले हो बेटा तुम। देखो बेटा नैतिक, अक्षरा से हाँ सुनने के लिए उससे बात करनी होगी तुम्हें, और शादी से पहले दोबारा तुम्हें अक्षरा से मिलने कौन देगा? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ कि क्या करना है। वर्षा, तुम्हारे बुआ के लड़के हैं कोई, कोचिन में रहते हैं, आशीष नाम बता रहे हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा भी कि मुझे बता दो, लेकिन कहने लगे कि अपनी बहन से ही बात करेंगे। ये कौन से कजन है तुम्हारे जिन्हें मैं नहीं जानता? अच्छा लो बात करो। हेलो हेलो वर्षा भाभी, मैं नैतिक का दोस्त बोल रहा हूँ मोहित। देखिए प्लीज फोन मत काटिएगा। आशीष दादू, कैसे हैं आप? नैतिक के दोस्त का फोन है जी। अब बताइए आपने फोन क्यों किया? थैंक गॉड, मुझे लगा आप कहीं बताया ना बैठे कि। लेकिन आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? आई एम रियली सॉरी वर्षा भाभी, मैंने आपसे झूठ कहा, लेकिन मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। ये नैतिक है ना, ये अक्षरा जी से बात करना चाह रहा है, और हमने सोचा कि अगर इन दोनों की कोई बात करा सकता है तो वो आप ही हैं। प्लीज जी फोन दीजिए आप नैतिक को। चले बात कर, तुझे नैतिक से बात करनी थी ना, नैतिक का फोन पे बात कर। लेकिन लेकिन छोड़, बात करनी है या नहीं बात कर। मेरा आपसे ये जानना बहुत जरूरी हो गया था कि आप इस शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। तो कुछ कह क्यों नहीं रही है, बात कर लो उससे। कुछ तुझे कुछ पूछना था ना जी? वो जी आपसे कुछ पूछना है। जी जी वो मैं समझ ही नहीं पाई कि आपने हाँ क्यों की। मेरा मतलब उस दिन तो आप नाराज होके गए थे ना, मुझे लगा बहुत गुस्सा होंगे मुझसे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हुआ था। वो तो मैं बिल्कुल नाराज नहीं हुआ था। मुझे लगा आप सोच रहे होंगे कि ये लड़की कितनी बहस करती है, बहुत बुरी लगी होंगी ना मैं आपको। नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा। आप मुझे बुरी क्यों लगेंगे? बल्कि बल्कि आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और कब से मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। क्या हुआ, तूने फोन क्यों काट दिया? क्या कहा उसने? हेलो हेलो। ओहो तो ये बात थी कि तूने हाँ कह दी, फिदा हो गया तू उसके ऊपर है। उसने फोन क्यों रख दिया? अरे कट गया होगा यार, तू फिर से फोन मिला ले। नहीं
मुझे लगता है उसने जानबूझ के फोन काटा है, शायद उसे अच्छा नहीं लगा। इधर देख, फोन करता हूँ। नहीं, तू नहीं करेगा, जिसने काटा है वही करेगी। अरे लेकिन ऐसे तो तुम लोग की बात ही नहीं हो पाएगी यार। अरे हो सकता है वो शर्मा गई हो यार। लेकिन तूने फोन क्यों काटा? दा, रीसेंट कॉल में उसका नंबर होगा। नहीं वर्षा, तू उसे फोन नहीं करेगी, तुझे मेरी कसम। लेकिन अगर उसने भी नहीं किया तो? हेलो, हेलो, कौन है? अक्षरा जी? नहीं, मैं वर्षा बोल रही हूँ। क्या हुआ, क्या बात हुई इन दोनों में? अक्षरा इतनी घबराई हुई सी क्यों है? क्या कहा नैतिक ने? वही वो जो कब से कहना चाह रहा है। फिदा हो गया वो आपकी सहेली पे, और अब वो आपकी सहेली की हाँ का इंतजार कर रहा है। आप ही पूछ के बताइए ना, उन्हें कबूल है? कबूल है? कबूल है। कबूल है? अरे कबूल है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।